हेलो गाइस, मैं हूँ राजा जाफरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राजा जाफरी आरजे, जहाँ पर हम सीखते हैं एडवांस प्रोफेशनल स्टाइल। वेलकम करता हूँ सभी व्यूवर्स को। गाइस, हमेशा की तरह आज भी मैं लेकर आया एक और न्यू स्टाइल, तो चलते हैं स्टाइल की। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं स्टाइलिंग। गाइस, ये जो है स्टाइल हम बनाने जा रहे हैं, इसमें हमें आयरन करने की ज़रूरत होगी बालों में, या फिर ब्लू ड्रायर स्मूथली अगर कर लेते हैं तो चलेगा। और ये आगे की तरफ मैंने एक फ्लिक छोड़ा है, फाइन क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं है वो। और बाकी सारे हेयर्स को हम क्राउन पॉइंट के ऊपर लेके आएंगे और एक पोनी बनाना है। एक टाइट पोनी होना चाहिए, ये रबर बैंड के साथ दो पिंस के साथ लूप बनाना है, उसके साथ पोनी बनाएंगे, नीट पोनी बनेगी, आप देख सकते हैं। स्प्रे किया, और ये स्टफिंग लगाएंगे हम, पोनी के सेंटर में रखना है उसको, जोड़ा पिन से अटैच करेंगे। देख सकते हैं पिंस लगाने के बाद थोड़ा उसको स्प्रे भी कर देंगे, सो दैट पिंस मूव ना हो, लूज ना हो स्टफिंग। माइनर सा स्प्रे भी कर देंगे हम। और अब इसी पोनी के साथ सारा वर्क करने वाले हैं हम। एक छोटी सी क्वांटिटी लेना जिसमें 3 प्लेट ब्रेड्स बन जाए हमारी, नॉर्मल जो 3 प्लेट्स ब्रेड बनाते हैं हम वही बनाना है इसमें। और ध्यान रहे कि पूरी ब्रेड नहीं बनाना है, स्टार्ट लेंगे, एक दो लीव्स बनता है उसी को पुल करना है बाहर की तरफ, स्प्रे करना है, इवन लीव्स को ये पुल करना है हमें, ऐसा ना हो अनइवन हो, जितना इवन होगा उतना अच्छा लीव्स बनेगा। आप देख सकते हैं एक एक लीफ को स्प्रे किया और डक क्लिप से क्लिप कर देना है, नीचे वाले सेक्शन में आपको ज़्यादा क्लियरली दिखेगा। ये आप देख सकते हैं, आयरन इसलिए ज़रूरी है जितना स्मूथ बाल होंगे, जितना स्ट्रेट होंगे आप इजीली उनको पुल कर सकते हो, शेप अप कर सकते हो, इवनली उसको फैला सकते हैं हम। ये आप देख रहे हैं, क्लिप लगा दिया, ड्राई होने देंगे उसको। जितना हमारा स्टफिंग का साइज है, जितना ब्रॉड है, जितना थिक रखना है उसको, उसी के अकॉर्डिंग आप ये ब्रेड बनाएंगे पूरा। और सेकंड वाले पे भी स्प्रे, देन क्लिप। उम्मीद करता हूँ आज आप क्लियरली देख पा रहे होंगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आई थिंक गाइस, इसको मैं पूरा
पूरी पोनी को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ब्रेड्स के साथ, मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, टू सेक्शंस दिखाऊंगा आपको, पूरा वैसे ही बनाने वाले हैं हम। ये आप चेक कर सकते हैं, नीचे नॉर्मल ब्रेड किया और एक छोटा बॉपिन के साथ उसको पिन अप कर देंगे और स्प्रे कर देंगे, थोड़ा सा रुका रहेगा, फिर कहीं नहीं जाएगा, वो ओपन नहीं होगा। अगेन वैसा ही क्वांटिटी लेना है, कोशिश करें इक्वल प्रोपोर्शन में आना चाहिए पूरा क्वांटिटी, एक जैसा रहेगा फिर। ये आप देख सकते हैं, जैसे एक दो सेक्शन पे हम काम करेंगे तभी उसको पुल कर लेना है, अदरवाइज वो जितना आगे की तरफ जाओगे फिर पुल नहीं होगा, दब जाते हैं सेक्शन हमारे, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रहे कि जैसे हम स्टार्ट लेते हैं ब्रेड का, एक दो सेक्शन के साथ ही इसको हम पुल करेंगे। ये आपको दिख रहा है क्लियरली, फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती और कमेंट बॉक्स में जाकर हमसे पूछ सकते हैं। आपको उसका आंसर दिया जाएगा। प्रैक्टिस की ज़रूरत है गाइस, बहुत ज़्यादा टफ स्टाइल नहीं है ये। इजी टू मेक है बट प्रैक्टिस ज़रूरी है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा फिनिशिंग के साथ बनेगा। गाइज आपको मेरी हेयर स्टाइलिंग कैसी लगती है, आप जो भी कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं, और अगर आप काम को पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी कर दिया करें। हम पूरी कोशिश करते रहेंगे आपके लिए न्यू हेयर स्टाइलिंग लाने के लिए। ये अभी एक एक लीव्स को, दोनों जो लीव्स हैं हमारे उनको लॉक करना है एक क्लिप के साथ लाइक दिस, आप क्लियरली दिख रहा है सब, ये ऐसे लॉक कर देंगे डक क्लिप के साथ। और स्प्रे कर देंगे,
वैसे सेम दूसरे वाले को भी करना गाइस। ऐसे ही यही टेक्निक रिपीट करना है पूरी पोनी के साथ। इक्वल प्रोपोर्शन में हम ब्रेड्स बनाएंगे इक्वल क्वांटिटी के साथ, और यही टेक्निक फॉलो करना है। हमें आइडिया मिलता रहता है कि कितना ब्रेड्स हमें बनाना है, कितना कवर अप हो जाएगा, वो हम सब आइडिया लेते रहते हैं साथ साथ में, दिखता है हमें। और ये मैंने वैसे ही पूरी पोनी के साथ काम किया है, और ये मेरा लास्ट सेक्शन है अभी। उतना क्लियरली बना है सब, हमें समझ में आ जाना चाहिए दो सेक्शन में, और ये थर्ड सेक्शन है हमारा, वैसे ही उसको भी बनाना है। पुल किया, स्प्रे किया, अनइवन बालों को स्प्रे फिंगर से थोड़ा सेट करना है और क्लिप लगा देना है। अभी ये हमारा ब्रेड्स वर्क फिनिश होता है। और उसके बाद ये सारे ब्रेड्स को हम डमी के ऊपर सेट करेंगे। अभी ये हमारा लास्ट वाला चल रहा है। अभी हम फर्स्ट वाले सेक्शन को लेते हैं और डमी के नीचे की तरफ जूड़ा पिन के साथ या बॉब पिन के साथ आप अटैच कर सकते हैं। क्लियरली समझ में आ रहा होगा आपको। एक एक सेक्शन को एक दूसरे के बराबर में रखते हुए, बहुत ज़्यादा गैप ना हो बीच में, अगर कहीं होता है तो हम उसको इनविजिबल पिन या जुड़ा पिन के साथ फिल अप कर देंगे। वैसे ही पूरी स्टफिंग को कवर अप करना है। जो हमारे ब्रेड्स के एंड्स होते हैं उनको हम दोनों में से किसी भी एक साइड में ले जाके अंदर की तरफ टक कर सकते हैं। ये हमारा लास्ट सेक्शन है और ये हमने इसको भी टक करना है, भी जोड़ा पिन के साथ अटैच किया, और जो इसका एंड है इसको हम स्टफिंग के साइड में अंदर की तरफ हाइड कर देंगे। गाइस ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं कि ये वाला जो मैंने किया है अभी, ये एक्स्ट्रा था, मुझे उसका ज़रूरत नहीं था कि हमें और ब्रेड बनाना चाहिए, तो ये थोड़ा एक्स्ट्रा था इसलिए मैंने उसको स्टफिंग के अराउंड लाके और पिन अप कर दिया। और ये हमारा फ्रंट सेक्शन है, इसको हम जो हमारी ट्विस्टिंग टेक्निक होती है, जैसे हम ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं बालों की, वैसे ही मगर थोड़ा उसको एडवांस टेक्निक के साथ पुल अप कर रहे हैं। आप देख सकते हैं दोनों सेक्शन को, और जुड़ा पिन के साथ
जैसे डिज़ाइन करना है उसको वहाँ पे रोकेंगे और स्प्रे कर देंगे। ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं ट्वीस किया हर एक सेक्शन को, जितना आपको लगता है पुल करना है उतना पुल कर सकते हैं। जूड़ा पिन के साथ रोकना है और उसको स्प्रे कर देंगे हम। उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ रहा होगा, जैसे हम ट्विस्टिंग करते हैं उसको हर एक सेक्शन को जो भी ऊपर की तरफ आ रहा है उसको पुल करना है। ये आप देख सकते हैं, टर्न किया और पुल किया, मगर टू पार्ट में उसको पुल करना है, एक सेक्शन से टू लीव्स निकालना है। गैस अभी लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी कुछ हल्का सा एक सेटल दिख रहा है आपको ये मैंने खुद ही ने उसको थोड़ा कम किया है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा लाइट से एक शाइन में कुछ समझ में नहीं आता उतना। तो अभी आई थिंक आपको क्लियरली दिख रहा होगा। मैं आप देख सकते हैं अभी हमारा हेयर स्टाइल कंप्लीट होने को है, ये लास्ट सेक्शन है हमारा और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे बस। उसके जो एंड है उनको हम साइड में हाइड कर देंगे। ये स्मॉल जो फ्लावर्स आते हैं हमारे जोड़ा पिन के साथ, उनके साथ एक्सरसाइज कर देंगे इक्वल गैप पे, थोड़ा डिस्टेंस के ऊपर उसको हम रखेंगे। आज का स्टाइल, आपको ये स्टाइल कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें बताइएगा जरूर, और अगर आपको ये स्टाइल पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टाइल के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।